something fall down? Germs will come in my tummy, so I need to... Life is a journey with problems to solve, a lesson to learn, but most of all, experiences to enjoy. Good morning, friends. Welcoming back to the channel. So, आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और सबसे ज़्यादा जिसमें मैं आज खुश हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द डे देन। तो सुबह में मेरा बहुत स्पीडी काम रहता है क्योंकि अनवी और तिशली को 7 बजे मैं उठा देती हूँ और वो 20 मिनट्स वहीं पे बैठते हैं और टीवी देखते हैं। उसके बाद उन्हें जल्दी से जाकर ब्रश करवाती हूँ, उसके साथ उनका इसका लंच बॉक्स और उन दोनों का टिफ़िन बॉक्स सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है जल्दी जल्दी। तो ऐसा कुछ मंडे टू फ्राइडे ऐसा ही मेरा रूटीन रहता है। Look at guys, my mom made a nice hair. Do you love it? Oh, you love it? Thank you. Today we went to Disneyland, tomorrow a Disney shop in the Disneyland. I was Jasmine in Disneyland. Oh, my sister was not a tiger. She was a flower princess. So do you like my hair my mom made? You love it? Thank you. Okay. I love it. जैसा मेरा सुबह स्टार्ट हुआ है और आज ये सब कपड़ा कल जब हम आए थे सब कुछ मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी थी, तो वो जो वाला पहले वाला था उसे फोल्ड करने के लिए रखी हूँ यहाँ पे। और कल आके हम पहुँचे डिज्नी से, बहुत ही अच्छा लगा। वो वाला वीडियोस मैं एडिट करके डालूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा। सो मैं सोच रही हूँ कि तीन पार्ट्स लाऊँगी। तो पहले दिन जब हम गए थे उस दिन रात में कहाँ गए थे, उसके वाला डिज्नी वाला पूरा डे का, और थर्ड वाला मैं बस पैरेड ही रखना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। स्पेशली जब नाइट में जब पैरेड हुआ बहुत ही खूबसूरत था। डे टाइम में भी हम पहले डे टाइम में ही देखे, वो वाला अच्छा लगा। उसके बाद हम जब आ रहे थे तब नाइट टाइम में भी पैरेट चल रहा था, तो उसे देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सोची कि मैं सोच रही हूँ कि वो वाला सेपरेट डालूँगी, बट अभी तक पता नहीं, शायद डाल सकती हूँ। और आज 17 नवंबर है, तिथि के हिसाब से मेरी आज बर्थडे है, तो सोची कि आज ये ब्लॉग करती हूँ। और डेकोरेशन भी करना है, क्रिसमस आ रही है, तो वो सब कुछ क्रिसमस ट्री उसे निकालूँगी और जो भी है वो सब।
और मेरी एक फेवरेट रेसिपी जो है वो मैं यहाँ पे फिर से शेयर करूँगी। लास्ट ईयर में भी मैं शेयर की थी, सो वो वाला मैं शेयर करूँगी। और क्या, बस यूँ ही, और देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। तो चलिए, मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ, फिर से कुकिंग करना है, एनवी को लाना है, बहुत सारे काम हैं। तो चलिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टे विद एम्निशा फैमिली। और जल्दी से नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपके पास जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी 4:45 हो गया है और अभी तो जल्दी रात हो जा रही है बिकॉज ऑफ डे लाइट सेविंग ऑफ हो गया है 7 नवंबर से, और दिन छोटा हो गया है और रात बड़ा हो गया है। तो अभी 5:30 बजे तक इवनिंग हो जाती है रात तक, और सुबह भी जल्दी सुबह हो जाती है। तब 7 बजे होता था, अभी 6 o'clock में वो पूरा आप देख सकते हैं थोड़ा क्लियर स्काई हो जाता है। तो आज वही बताने वाली हूँ कि मैं कब से वेट कर रही थी और फाइनली आज अराइव्ड हुआ, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताई थी हैलोवीन के टाइम पे, थैंक्सगिविंग के टाइम में उनके स्कूल में पिक्चर लिया गया था और मैं वीडियो भी डाली थी, दोनों को मैं लेके गई थी तो उनके स्कूल में फ़ोटोशूट किए थे। तो एनवी का जो फ़ोटो है वो सब मुझे मिल गया था, पर उन दोनों सिबलिंग्स का जो फ़ोटो था वो अभी तक वो उन्होंने नहीं दिया था, जो जो शॉर्टर फ्लाई कुछ है करके, तो वहाँ से ही वो फ़ोटो उनसे ही खिंचवाए थे, तो वो देना ही उनमें भूल गए थे। तो मैं टोटली $70 पे की थी, बहुत ही था, बट पहली बार जैसे कि था तो इसका पिक्चर स्कूल डे का उसका भी उसके साथ, तो इसीलिए मैं $70 दे के पूरा सेट मंगाई थी। तो उन्होंने नहीं दिया, तो मैं उन्होंने वैसे अमित ने उन्हें कॉल किया जिन्होंने फ़ोन लिया था, तो वो थोड़ा वो कुछ समझ में नहीं पाए, तो फिर से उन्होंने सेम पार्सल मुझे भेज दिया। देखिए, फिर से मेरा मन बहुत दुख हो गया क्योंकि मुझे वो चाहिए था दोनों का पिक्चर। सो इसलिए कभी कभी छोड़ देती हूँ कि दो बार नहीं आया, होप थोड़ा लूज़ हो गया, फिर भी मैं सोची कि नहीं, $70 दी हूँ मतलब मुझे वो सिबलिंग्स का फोटो चाहिए। फिर से उनकी डायरेक्टर के पास गई तो बोली कि मैं फिर से फ़ोन की थी पर उन्होंने वही वाला सेम पैकेट भेजा। तो डायरेक्टर ने उन्हें फिर से कॉल किया और उन्होंने बोले कि मुझे फिर से कॉल करने के लिए। तो मैं आई, इस बार जब मैं कॉल की तो वो जो एक लड़का था तो वो जो उठाए वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में उन्हें समझ में आ गया। वो बस मुझे पूछे कि कौन सा फ़ोटो चाहिए, तो मुझे ये दो फ़ोटो चाहिए, तो वो एक वीक में भेज दिए। वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये एक फोटो रहा, ये और ये दूसरा। सो और कोई फोटो में वो दोनों साथ में है, हंस नहीं रहे थे इसीलिए। और बहुत सारी फ़ोटो मेरा हो गया है उसके बाद, ये सब इतना सारा फोटो दिया गया है, बस रखना ही है। और कोई अगर चाहेगा तो मैं दे सकती हूँ बहुत सारी फोटोज ऐसे ही। उसका जो सिंगल फोटोज था वो भी दिए हैं, लेके आती हूँ। तो ये वाला पार्सल दो बार भेजे हैं सेम। सो ये फर्स्ट, उसके बाद ये उसने पांडा लेके गई थी, तो ये रहा सेकेंड। ये बैकग्राउंड ब्लू में किए हैं एक फोटो, और ये रहा। सो ये वाले बहुत सारे मेरे पास हो गए हैं, बहुत सारे। तो अभी तो बस ऐसा ही। तो मुझे फ्रेम लाना है, मुझे एक लिविंग एरिया में रखना है, और जो फुट हम गए थे
डिज्नी, उसमें भी एक फैमिली फ़ोटो आ गई है। तो इस बार थैंक्स गिविंग में कुछ जब कुछ खरीदूंगी तो फोटो फ्रेम भी उसके साथ आएगा। तो चलिए बाहर का डेकोरेशन करते हैं। फिर भी मैं बाहर के लिए और भी कुछ ऑर्डर की हूँ, वो आ जाएगा नेक्स्ट वीक में। अमेज़ॉन में की थी, बट अमेज़ॉन में बहुत था, एक 5 फीट स्नोमैन को $40 था। उसके बाद जब वॉलमार्ट में देखे तो 4 फीट को 15 डॉलर्स में आ जा रहा था। तो इसलिए मैं दो, एक स्नोमैन और एक तो क्रिसमस ट्री $14 का 4 फीट का मंगाई हूँ, और एक तो कुछ स्नोमैन है वो वाला आएगा दिसंबर को। अभी मेरे पास जो है वही मैं अभी लगा दूँगी, क्योंकि बहुत सारे घर में डेकोरेशन हो गए हैं। बस क्रिसमस ट्री मैं सोच रही हूँ इस सैटरडे को स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो डेकोरेट करना थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए। तो चलते हैं बाहर। Whose doggy is that? Whose Santa is that? This is Dizzy's and this is my dog. Okay. I'm gonna have a dog. Hey! Okay, when more Christmas tree and all of will come, we will put here, okay? Yeah. Okay. And also, we'll buy a wreath next to Santa Claus. Mm. तो जैसे कि मैं बताई थी कि मेरा फेवरेट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि उसमें बनाना चाहिए था और टैरो चाहिए था, जो कि मार्केट में नहीं मिला। तो इसीलिए फाइनली गोभी करी बना जा रहा है, और ये भी मुझे अच्छा लगता है गरम गरम राइस के साथ खाने में। थोड़ा सा खट्टा होता है, और हम ग्रीन चिली यूज़ करते हैं क्योंकि बच्चे खाते हैं इस वजह से, बट ये वाला भी मेरा फेवरेट डिश है। पर जो मैं बनाने जा रही थी वो नहीं बना पाई, और कभी अगर मैं बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज़ हिट द थम्स अप। और चलिए तो फिर हम फिर से जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, और डिज्नी का ब्लॉग मैं जल्दी ही एडिट करके आपके पास लाऊंगी। और आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एज ऑलवेज, बाय। Thank you. This one is the baby one, and this one is the big one with the cast on. Okay, it's a pepperoni pizza? Yeah, it's okay. Your mommy. Okay. I'll see you in the morning time, and I'm not going to school because our germs will come in my tummy, so I need to take rest.